ठीक है, चलिए हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जितना मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है वही बेसिक पूछती हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर करते जाएंगे हम लोग। हु कॉइंड द टर्म सेल, किसने सेल टर्म दी थी? रॉबर्ट ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम के क्या फंक्शन था? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, यानी सब मैं पूछूं सबको समझ में आया है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन, ठीक, एटीपी फॉर्मेशन। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनेल यूजेस और रिलीजेस ऑक्सीजन? राइबोसोम। नहीं, बिल्कुल गलत, अभी सोचिए। हाँ हाँ, कौन बोल रहा है क्लोरोप्लास्ट? मैम जबीउल्लाह। वेरी गुड जबीउल्लाह। क्लोरोप्लास्ट क्यों होगा, अब ये रीजन जाने आप सब लोग, जो राइबोसोम बोल रहे हैं वो गलत है, वो रीजन जाने। राइबोसोम का फंक्शन सिर्फ एक होता है, प्रोटीन को बनाना, जबकि क्लोरोप्लास्ट हमारा किस टर्म से निकला था, मैंने बताया था, क्लोरोफिल से। और क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होती है? ग्रीन प्लांट्स के अंदर। और ग्रीन प्लांट्स में क्या पाया जाता है? फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस जरूरी किस किस की प्रेजेंस में होता है? सनलाइट, वाटर एंड एयर। सनलाइट, वाटर एंड एयर। तो यहाँ पर एयर कौन यूज करेगा और कौन रिलीज करेगा? क्लोरोप्लास्ट। कंसेप्ट को याद रखो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। बेसिक क्वेश्चन था लेकिन घूमा हुआ था, इसलिए कंफ्यूज हो गए लोग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियस। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। क्लोरोप्लास्ट हमारा एनिमल सेल में नहीं होता, सेल वॉल हमारी एनिमल सेल में नहीं होती, मेम्ब्रेन हमारी सेमी परमिएबल होती है। न्यूक्लियस किस में होता है? सब में होता है न्यूक्लियस। गुड, सब में होता है। यस, गुड। क्लीडन एंड शॉन, द सेल थ्योरी। हाँ, द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय सेल्डन एंड शॉन। सबसे आंसर चाहिए मुझे, सबसे। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए सेल्डन एंड शॉन। वेरी गुड, सेल्डन एंड शॉन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, अ कलरलेस प्लास्टिड इज कॉल्ड एज? क्लोरोप्लास्ट। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, मैं बहुत ग्लैड हुई आप लोगों के आंसर्स देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डबल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन? डबल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन लाइसोसोम। अच्छा, अब मेरी एक बात सुने ध्यान से, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट। एक बात सुने मेरी ध्यान से। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क देना चाहूंगी, क्वेश्चन नंबर 11, ये आप ढूंढ के लाएंगे और मुझे रीजन के साथ बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके मैम, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं 12, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑल लिविंग सेल इज? सेमी परमीएबल। मेम्ब्रेन ऑफ ऑल लिविंग सेल सेमी परमीएबल। दोनों में सिलेक्टिव, मैंने आपको ऑप्शन दिखाती हूँ, आपको नोट दिखाती हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में लिखा था आपकी मेम्ब्रेन के बारे में, कहाँ है आपकी मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, और लगाया था। और का क्या मतलब होता है कि दोनों नाम हो सकते हैं इसको, सेमी परमिएबल भी है और सिलेक्टिवली परमिएबल। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, माइटोसिस अकर्स इन गैमीट्स, हेल्प इन ग्रोथ, फॉर्म फोर डॉटर सेल्स, इज द रिडक्शन डिवीजन। Help in growth and repair of tissues. Help in growth and growth and repair of tissues. ठीक है, कहाँ है माइटोसिस? ये रहा, क्या है माइटोसिस में क्या लिखा हुआ है? Help in growth and repair of tissues. Clear हो रहा है सबको? Yes ma'am. ठीक है, ठीक है, next question पे चलते हैं। Amoeba acquires its food. Amoeba अपना food लेता है। Endocytosis. Very good. Endocytosis. Endocytosis.
मैम एग्जोसाइटोसिस क्या होता है? ऑप्शन में दिया है. क्या चीज एग्जोसाइटोसिस? यस मैम. अच्छा एंडो क्या था? मैंने बताया था, मुझे एंडो बताएं पहले. मैम अमीबा जब फूड एंगल्फ करता है ना, उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं. अच्छा मैं अमीबा का एग्जांपल ना लूं, मुझे जर्नल वे में बताएं. मैम जो भी हम खाना खाते हैं ना, सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने आप को सब लोग. एंडोसाइटोसिस क्या है? इनटेक ऑफ फूड, यानी एंडो मींस इनसाइड, यानी फूड को इनसाइड लेना, इनटेक करना. फूड अंदर ही तो लेते हैं, इनटेक करना एंडोसाइटोसिस कहलाता है. और उसी फूड को एक्सक्रीट आउट कर देना, बाहर निकाल देना, एक्सोसाइटोसिस कहलाता है. रिमूवल ऑफ वेस्ट. फूड क्या बन जाता है हमारा प्रोसेस के बाद? वेस्ट बन जाता है. तो जब वेस्ट रिमूव होता है सेल से या बॉडी से हमारी, वो एक्सोसाइटोसिस कहलाता है. ठीक है सभी उल्ला, क्लियर हुआ? यस मैम. ठीक है नेक्स्ट. हम एक मिनट वेट करिए, मैं अभी बता आगे प्रोसीड करते हैं. सेल्यूलोज और प्रोटीन से कौन बनी होती है? सेल वॉल हमारी सेल्यूलोज से बनी. नेक्स्ट आते हैं द लार्जेस्ट. 10 मिनट में मीटिंग फिर एंड होगी, इसलिए जल्दी से मैं कवर करना चाह रही हूँ. द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी. नर्व सेल. वेरी गुड. इफ द राइबोसोम्स ऑफ अ सेल आर डिस्ट्रॉयड देन प्रोटीन इज नॉट सिंथेसिस. प्रोटीन विल नॉट बी फॉर्मड. वेरी गुड. ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? सबको क्लियर हो रहा है? यस मैम. ठीक है. स्क्रीन फुल नहीं आ रहा. स्क्रीन फुल नहीं, इतनी ही है स्क्रीन. ओके मैम. हाँ इतनी ही है. मैंने क्वेश्चंस ऐसे ही रखे हैं ताकि ज्यादा जूम अप रहे तो आपको क्लियर हो. ठीक है. यस मैम. ठीक है नेक्स्ट पढ़ते हैं 18 पर. व्हाट हैपेंस व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपर में डाल दिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेल के साथ? एक्सोस्मोसिस. सेल क्या करेगा? पानी बाहर निकालना शुरू कर देगा और कैसा हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा. वेरी गुड. 19 क्वेश्चन व्हिच इज पॉपुलरली नोन एज सुसाइडल बैग. सबको बताएं. लाइसोसोम. सब बोलने चाहिए, सबकी आवाज आनी चाहिए. लाइसोसोम. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया. कौन बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया? राइबोसोम. कौन से क्वेश्चन होमवर्क दिया था आपको?
क्वेश्चन नंबर 11 नोट डाउन करते रहना अपनी कॉपी में, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके सबसे पहले पूछूंगी क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 20 इज होमवर्क। ये कंफ्यूजन जो आप लोग कर रहे हैं कि कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ, ये चीज नहीं होनी चाहिए, सबका आंसर सेम होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ वही चीज कहना चाह रही हूँ, जैसे आप अब इन क्वेश्चंस में और प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में सब एक सा ही सेम जवाब दे रहे थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में और 20 में आप लोगों के ऑप्शन चेंज हुए सबके, तो इसीलिए मैं आपको होमवर्क दिया कि कंसेप्ट क्लियर कर आना है। ओके मैम, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ गार्बेज डिस्पोजल ऑफ द सेल। कौन निकालता है? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 25, गॉल्जी अपैरेटस इज एब्सेंट इन फिर से होमवर्क, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके मैम, मैं फिर से लिख रही हूँ यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 25, I will be asking you from you all in the next class. पहले म्यूट करें, सब लोग अपने आप को म्यूट करें। वेरी गुड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 25, ये मैं आप लोगों से क्लियरली पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में कि आप लोगों को कितना समझ में आया था आज का पढ़ाया हुआ, ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. अब करें अनम्यूट अपने आप को सब, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। किसी का भी कोई क्वेश्चन, मुस्तकीम, जबीउल्लाह, मारिया, कीर्ति, किसी का कोई क्वेश्चन? मैम, डिफ्यूजन में सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन जरूरी नहीं है। डिफ्यूजन में सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है ना? जरूरी नहीं है, आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? मैम पूछ रहे हैं। अच्छा, इसको मैं देखिए, सबसे पहले आप बात सुनिए, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन हमारी सेल में होती है, कोई भी चीज सेल के अंदर आएगी जाएगी ये अलाउ कौन करेगा? हमारा सेमी, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है नेचर में? सेमी परमीएबल होती है, इसलिए ये चीज मेंशन करिए कि ऑस्मोसिस जो है वो अलाउ किया जाता है सेल में, इसलिए ये चीज बोली है कि ऑस्मोसिस विल कैरीड आउट बाय द सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। क्लियर हुई बात? यस मैम। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? यस मैम। पूछना है जबीउल्लाह, कुछ पूछना है अमन? मैम, अगर मान लीजिए मूवमेंट ऑफ वाटर एंड गैसेस कैरी आउट बाय, अगर डिफ्यूजन ऑस्मोसिस दिया हो तो क्या चीज करेंगे? क्वेश्चन रिपीट करें। मूवमेंट ऑफ वाटर एंड गैसेस कैरी आउट बाय डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस? और भी तो ऑप्शंस होंगे, दो ही ऑप्शंस हैं सर। मैम ये अब और भी अलग होते दोनों अगर एक साथ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर एंड गैसेस। देखिए मैं आपको बताऊं जबीउल्लाह, ये आपका लाइफ टाइम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऑस्मोसिस हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए होगा और गैसेस के लिए हमेशा डिफ्यूजन होगा। कहीं पर भी क्वेश्चन ना आए, जहां पर ये लिखा हुआ है कि गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं तो आंख बंद करके डिफ्यूजन लगा दो, और अगर वाटर मॉलिक्यूल लिखा हुआ है तो आंख बंद करके ऑस्मोसिस लगा दो। कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर दोनों मेंशन है तो दोनों के लिए ऑप्शंस भी होंगे।
मैम एक बार क्वेश्चन आया था व्हाट्सएप पे, मतलब के ग्रुप में आया था, तो उसमें देखे तीसरा ऑप्शन। आप मुझे क्वेश्चन भेज दीजिएगा, ग्रुप में मैं हूँ, आप ग्रुप में भेज दीजिएगा। अगर ग्रुप में मेरा नंबर भी है, आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? ठीक है। क्वेश्चन अगर मैं वही कह रही हूँ, अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप मुझे सेंड कीजिए, मैं बिल्कुल आंसर करूंगी। जब मैं यहाँ आंसर कर रही हूँ पर्सनली भी आंसर करूंगी, बस आपका क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम आंसर के पीछे भाग रहे होते हैं, क्वेश्चन ही समझ नहीं आता हमें, ठीक है? Yes, ma'am. और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम कौन सा सेल ऑर्गेनेल जिसका मेम्ब्रेन नहीं होता है? कोई कौन भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, सेल ऑर्गेनेल जिसका मेम्ब्रेन नहीं होता है, एक क्वेश्चन इसमें है, कोई पूछ। कौन सा ऑर्गेनेल जिसका मेम्ब्रेन नहीं होता है? कौन से ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन नहीं होती, क्या क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शन ऑप्शंस क्या है ज़बीउल्ला? सेंड कर देंगे अभी। ठीक है, अब मैं यही कहूंगी आप लोगों से कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मैसेज, मैं ग्रुप में ऐड हूँ, मैंने क्वेश्चन सेंड कर रखे हैं, तो मेरा नंबर है ग्रुप में। आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, हम एक मिनट का टाइम बचा है, मीटिंग एंड हो रही है। आप लोग क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्या हुआ? एक तो आप सबके माइक अनम्यूट हुए हैं, किस जिसको बोलना है बस वो अनम्यूट करें अपने आप को, बाकी सब म्यूट करें। मैम बोल रहे हैं कि आप जो पढ़ाए ना मैम इसे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं, मैं आपको पूरी स्लाइड पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है? यस मैम, यस मैम, ठीक है, मैं पूरे नोट्स जो बन मोस्ट वेलकम, थैंक यू मैम, ठीक है, थैंक यू मैम, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।